हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मतलब थोड़ा बहुत जुकाम पूरा ही लग गया है और थोड़ा थोड़ा खांसी हो रही है। तो मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लेट गई ना तो फिर मतलब फिर और सोने का मन करता है, मतलब आराम करने का मन करता है। तो इसीलिए तो मैंने सोचा मैं खाना बना लेती हूँ। अभी मम्मी अक्षु को लेके गई है, क्योंकि अक्षु को भी थोड़ा थोड़ा जुकाम लग रहा है। मम्मी उसको आगे लेके गई है आंटी के यहाँ पे। मैंने सोचा तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। खाना आज मम्मी ने बोला कढ़ी बना दो, क्योंकि उससे क्या होगा कि जुकाम थोड़ा पक जाएगा। आज की ब्लॉग स्टार्ट हो रही है, 1 बज गया है। तो अभी मैं लेके आती हूँ पहले लहसुन के पत्ते। मैंने ले लिए हैं लहसुन के पत्ते, कड़ी से मुझे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। वो भी बनाते हैं। बेसन मैंने घोल दिया है। आज हम बनाएंगे मट्ठा की कड़ी। और अक्षु के लिए मैं खिचड़ी बना देती हूँ, क्योंकि वो कड़ी तो बच्चे को शायद नहीं देनी चाहिए कड़ी, तो इसीलिए। तो मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। एंड प्लीज प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हमारा कढ़ी भात भी बन गया है, अक्षु की खिचड़ी भी बन गई थी, मैंने उसे खिलाया, उसने सिर्फ 2 ही चम्मच खाए हैं। तो अभी वो सो गया है और मम्मी ने रख दिया है कढ़ी और भात। तो पहले कढ़ी और भात खाते हैं, फिर मैं थोड़ा धूप में बैठूंगी। और आज चावल बने हैं थोड़ा गीले गीले, क्योंकि पापा को गीले चावल पसंद है। अभी अच्छी सो के उठ गया था, अच्छी जैसे ही सो के उठा तो उन्होंने बहुत गर्म हो रखा था। तो अभी हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए हैं यहीं रायवाला में। तो उन्होंने दी है दवाई, थोड़ा दी है उन्होंने, फीवर की थी हमारे पास, तो कोल्ड एंड कफ की दे दी है उन्होंने। उन्होंने बोला फीवर इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी दवाई दे देना। और मैं अपने लिए भी फिर दवाई लेके आई हूँ, कल ये भी लेके आए थे बट वो सिर्फ 2 टाइम की थी, तो अभी लेके आई हूँ मैं, 3 डेज़ की दवाई लेके आई हूँ। तो बस अभी अच्छी गया है बाहर घूमने के लिए। जब बाहर घूम रहा तब इसको कुछ कुछ नहीं हो रहा, तब कोल्ड एंड कफ नहीं हो रहा। जैसे ही अंदर आ रहा और जैसे ही दवाई देख रहा, एकदम सड़ा हुआ मुंह बना रहा। तो अभी देखती हूँ अगर अंदर आएगा तो दवाई देती हूँ मैं उसको। अभी मैं बना रही हूँ चाय। वैसे तो मम्मी ने बना रखी थी, बट अभी थोड़ा अंकल आया, अंकल के लिए बनाती हूँ। और मैं अपने लिए लेके आई हूँ ओरियो बिस्किट। मुझे अचानक से देखा तो मेरा बहुत मन किया ओरियो खाने का। वैसे तो बहुत सारे बिस्किट हैं यहाँ पे, पर मैंने सोचा ओरियो लेके जाती हूँ। सो अभी अच्छू सो गया है, हमने उसको दवाई दिया थोड़ा, तो अभी थोड़ा सो गया है तो थोड़ा आराम मिल जाएगा उसको। तब तक चाय पी के तो मुझे लग रहा है मेरा गला और बैठ गया। भी मैं करती हूँ कपड़े फोल्ड, तो मिलते हैं आपको कपड़े फोल्ड करने के बाद। मुझे दोनों लाइट खोलनी है, मुझे दोनों लाइट खोल के मजा आता है। कपड़े वगैरह हो गए हैं मेरे फोल्ड। और अभी मैं बना रही हूँ गोभी, अभी बना रही हूँ, अभी काटती हूँ, उसके बाद बनाएंगे आलू गोभी। अभी अंडे बॉईल कर दिए मैंने और छील दिए हैं। अक्षु भी खा लेगा ना तो थोड़ा गर्माहट रहती है शरीर में। अभी देखने अगर खा लेगा तो ठीक है। जय माता की, धीरे बोलो जय माता की।
जय माता की, जय माता की, धीरे बोलो जय माता की। बस तुम्हें इनको पहले ही खाना है। एक तरह हमारे तीन तीन काम हो रहे हैं, हम सब्जी भी बनाएंगे, चाय भी पियेंगे और आटा भी मेरा धुल गया है, सामने खाएंगे मोमो। तुम्हें भी भूख लग गई? जब मोमो नहीं आते हैं तो नहीं आते, और जब आते हैं ना तो कंटिन्यू आने लगते हैं। और मेरे हाथ से चटनी भी गिर गई है क्योंकि उन्होंने पता नहीं कैसे खोला था। सो दोस्तों अभी हो गया है हमारा खाना भी, और मुझे तो खाने में कुछ टेस्टी नहीं लग रहा है, मतलब शायद जुकाम की वजह से नहीं लग रहा है, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा जुकाम मुझे गर्मी की वजह से हो रहा है या ठंडी की वजह से हो रहा है। वैसे तो ठंडी की वजह से ही हो रहा होगा, बट मेरी जेब में दाने भी हो रखे थे तो गर्मी की वजह से होता है ना। तो आज मैंने ना प्लेन दूध ले लिया है, आज मैंने गुड़ नहीं मिलाया है, गुड़ नहीं मिलाया है क्योंकि हो सकता है साथ उसकी वजह से भी थोड़ा मुझे क्या कहते हैं वो गर्म हो रहा हो, तो इसीलिए। और अभी मैंने खुद भी दवाई खा लिया, कड़वी सी दवाई, अक्षय को भी दे दी है मैंने दवाई। फीवर की तो मैंने पहले दे दी थी, अभी मैंने क्या कहते हैं कफ की दी है खाली, तो बस अभी तो ठीक है, काफ़ी ठीक है। उस टाइम तो एकदम मतलब फीवर हो गया था उसका थोड़ा ज़्यादा, अभी ठीक है, अभी वो खेल रहा है पापा के साथ, चाचा के साथ, दादा के साथ, तो इसलिए। और आज मम्मी ने लगाई है मंदिर में लड़ी, एक्चुअली उसकी नहीं, हमने पहले भी लगा रखी थी बट वो ख़राब हो गई थी, पता नहीं कैसे ख़राब हो गई थी। तो जो अक्षु के वो मंगवाया था ना हमने डेकोरेशन का सामान, उसमें एक लड़ी थी, तो मम्मी ने यहाँ एक या दो लड़ी थी तो भी मम्मी ने यहाँ पे लगा दी, और अभी हमारा मंदिर लग रहा है बहुत सुंदर। ये देखो मम्मी ने लड़ी लगा रखी है, ये हमारे पितृदेव दादी दादाजी, नमस्ते करो सब। सो अभी मैं पीती हूँ दूध और मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिएगा एंड प्लीज़ 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 लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं कुछ और बोल रही थी, दिमाग से निकल गया। और हाँ मेरी वीडियो देख देख के ना बोर मत होना, क्योंकि मैं डेली एक ही चीज़ दिखाती रहती हूँ ना इसीलिए, बट क्या करूँ, एक हाउस वाइफ शायद अपने डेली घर के काम ही दिखा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं मिली कैब तो अभी मैं ढूंढती हूँ अक्षय की कैब, क्योंकि अक्षय को अभी उसने मंकी कैब पहनी है, उसको हम दूसरी कैब पहनाएंगे क्योंकि मंकी कैब आंखों में आ जाती है ना इसीलिए। सो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।